लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नक्सलियों के खात्मे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 तक का समय तय किया है, जिसको लेकर अमल भी तेज हो गए हैं। पुलिस के बढ़ते दबाव से नक्सलियों के शीर्ष नेतृत्व में बौखलाहट है और वो अपने ही साथियों को परेशान करने लगे हैं, जिससे आहत होकर अब नक्सलियों के आत्मसमर्पण का दौर शुरू हो गया है। नक्सलियों की सबसे पुरानी एरिया कमेटी माने जाने वाली कुएमारी एरिया कमेटी के 4 इनामी नक्सलियों ने कांकेर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसमें 5-5 लाख 2 जबकि 1-1 लाख के 2 इनामी नक्सली शामिल है। छत्तीसगढ़ शासन की सरेंडर पॉलिसी से प्रभावित होकर कांकेर जिले में सबसे नक्सली कुएमारी एरिया कमेटी के 4 नक्सली आज आत्मसमर्पण किए हैं। इनमें से सूचना एलओएस कमांडर 2007 से सक्रिय है और इसमें नरेश सागर और अंजू जो एरिया कमेटी सदस्य और एलओएस सदस्य के रूप में काम कर रहे थे, पिछले 11-12 सालों से ये लोग सक्रिय है। अभी वर्तमान में कुएमारी एरिया कमेटी में 9 सदस्य हैं, जिनमें 4 आज सरेंडर किए हैं और ये लोग कांकेर, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने इनके द्वारा कई घटनाएं घटित की गई है, कई पुलिस के ऊपर जो मुठभेड़ है उसमें ये लोग शामिल थे, लेकिन 6-8 महीने से जो नक्सल अभियान चल रहा है उससे प्रभावित होकर ये लोग आत्मसमर्पण किए हैं और शासन की नीति अनुसार इनको 25,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.